हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज मैं जा रहा हूँ अपनी खुशी के अंदर खुशी खुशी नई क्लच प्लेट इंस्टॉल कराने, और आप लोगों को दिखाऊंगा भाई पुरानी वाली कितनी, मतलब क्या उसकी कंडीशन है अभी, कितनी जल चुकी है कितनी नहीं, और कितना और चल सकती थी, ये सब पूछेंगे मैकेनिक से। तो भाई फटाफट चलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और मोटो ब्लॉक सेटअप नहीं लेके जा रहा हूँ, इसलिए रास्ते की तो फुटेज आपको नहीं मिलेगी। सीधा शॉप पे मिलते हैं जहाँ से मैंने इंजन का काम कराया था, करिश्मा का, अपने इम्पल्स में। तो मतलब वही उसी शॉप पर जाऊँगा दोबारा, और वहाँ जाकर इंस्टॉल कराते हैं नई क्लच प्लेट है। उससे क्या होगा, लद्दाख राइड पर भाई अपने को जो मतलब परफॉर्मेंस है वो एकदम बढ़िया मिलेगी, टॉप नॉच जिसे बोलते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। यही सोच के मैं जा रहा हूँ, और चलते हैं फटाफट से, पहले इंस्टॉल कराते हैं क्लच प्लेट है, और आपको बताता हूँ कि कैसा अब जो है फ़र्क आया है उसके अंदर, ठीक है। वो तो मैं प्रॉपर एक मोटो ब्लॉग बना दूंगा बाद में, मतलब अगर आप कहोगे तो, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों, मैं ये वाला ऑयल जो है अपनी बाइक के अंदर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग राइड करता हूँ, इस वजह से। मोटुल का 5100 रहने वाला है, ग्रेड आपके सामने दिखाई दे रही है 15W50। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ओखला में, ठीक है जी। अभी जो है उस्ताद जी को मैंने क्लच प्लेट हैंड ओवर कर दी है, अब वो अपना काम स्टार्ट करेंगे, मतलब क्लच कवर को डिसअसेंबल करेंगे, पूरा खोलेंगे। खोलने के बाद हमें देखना है बेसिकली जो हमारी अभी जो उसमें चल रही है क्लच प्लेट, वो उसकी कंडीशन क्या हुई है, वो ज़्यादा जल चुकी है थोड़ी जली है या क्या सीन है, वो आपको बताऊंगा पूछ के इनसे। और बाकी नई क्लच प्लेट को दे दी है, इन्होंने बताया कि ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंजन ऑयल जो मैंने आपको दिखाई दिया कि 5100 यूज़ करते हैं अपन, ठीक है ना, तो इस बार भी 5100 यूज़ करने वाले हैं। और बाकी आगे जो प्रोसेस है आप वो देखो थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो भाई उस्ताद जी को मैंने बोला है कि जाओ ट्राई लो, ट्राई लेने के बाद ना समझेंगे। रेस मत लो ना, रुको रुको रुको, आप लो रेस मत देना। अरे लगता था लड़ा बाबू जी। अरे यार मैं कह रहा बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, मेरी धक धक क्यों नहीं हो रही, लगाओ, हो गई, ठीक है, करो पंची, जाओ चेक करके आओ। तो मैंने चेक करवा लिए, उन्होंने बताया कि भाई इस बाइक के अंदर क्लच प्लेट जो है ना बहुत ज़्यादा तरीके से, मतलब अभी ऐसा नहीं कि बाइक की बहुत रिक्वायरमेंट है कि क्लच प्लेट डलनी चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि क्लच प्लेट डलनी चाहिए, हल्की फुल्की मतलब घिस चुकी हैं, जल चुकी हैं बोल सकते हैं, क्योंकि वो जब मैं लाहौल स्पीति गया था तो मेरी क्लच की सेटिंग आउट हो गई थी, जिसकी वजह से क्लच प्लेटों पर इफेक्ट पड़ गया। तो अभी क्या है कि 100 में से समझ लो 70% बची है, 30% जल चुकी है, लेकिन वो 30% भी हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम रिप्लेस करा देंगे, नया इंजन डलवा देंगे। अच्छा, आगे की शॉकर की बात करूँ कि जब आपको मैंने बताया था ना इसके अंदर एक पंप होता है, पंप को हमने बढ़ा दिया था, तो पंप को बढ़ाया लेकिन पंप के अंदर एक होल होता है, ठीक है, उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, उस्ताद जी बोल रहे हैं, तब भी जो है ना पंप में से ऑयल का प्रेशर प्रॉपर तरीके से निकलेगा, तब जाके ये उसमें और ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी। अभी हल्की इसमें हार्डनेस मेरे को लगती थी, तो मैंने क्रॉस चेक के लिए इनको बोला, मैंने कहा जाके एक बार चेक भी जा रहे हो ट्राई करने, तो एक बार चेक भी करना कि शॉकर सही काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हल्के की ना कभी कभी डाउट होता है कि ये शॉकर सही से काम नहीं कर रहे, मतलब हल्की सी टाइटनेस है इसके अंदर, तो टाइटनेस को मतलब ठीक करने के लिए उन्होंने बताया कि उसमें थोड़ा सा R&D करनी पड़ेगी, इसमें वो ये कर देंगे, कह रहे हैं 1.5 घंटा लगेगा, थोड़ा डिस्क ब्रेक को जो ना ओवरऑल करेंगे, मतलब डिस्क ब्रेक के जितने पिस्टन होते हैं ना उनको खोल के, मतलब दो पिस्टन होते हैं इसके अंदर, देखो दो पिस्टन की शेप है, एक और दो, ये दो पिस्टन की शेप है, तो दोनों पिस्टन को बाहर निकाल के प्रॉपर इसकी ओवरऑल सर्विस होगी। सर्विस होने के बाद बाइक का टायर मतलब डिस्क ब्रेक जो एकदम ओके मतलब लगेगी, शॉकर भी स्मूथ हो जाएंगे और क्लच प्लेटें भी डल जाएंगी, और अपना इंजन ऑयल नया हो जाएगा, और एयर फिल्टर जो खुल के साफ हो जाएगा, अगर नए की रिक्वायरमेंट होगी तो नया डल जाएगा, मतलब कि प्रॉपर इसकी सर्विस होने वाली है, ठीक है, मतलब ओवरऑल सर्विस होने वाली है, काफ़ी डीप सर्विस, और इंजन के अंदर तो खाली क्लच प्लेटें इंस्टॉल करने हैं हम लोग, ठीक है। बाकी किसी की प्रेशर प्लेट हो गई, हब सेंटर हो गया, वो कुछ चेंज नहीं आ रहे, बिकॉज वो कराने कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो एकदम ओके है, ठीक है ना। तो भाई अभी काम जो है टाइम लैप में हम एंजॉय करो, बाकी मिलता हूँ आपसे आगे। ये वाला जो इंजन ऑयल है ये हीरो कंपनी से डलवाया था मैंने, यहाँ का मिरनल ऑयल होता है, ये सिंथेटिक नहीं होता, नॉर्मल ऑयल है, ठीक है ना, तो ये डलवाया था। तो ये ऑयल जो होता है बस आप ये लगा लो कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अगर इतना यूज़ करना बाइक को तो ये वाला ऑयल बेस्ट रहता है, काफ़ी किफ़ायती दाम पे मिल जाता है। लेकिन जो बात करें जो मैं लेके आया हूँ अपने बाइक के लिए, अगर आपको घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, घर घर जो मतलब करना है, घर घर खेलना है तो भाई ये वाला ऑयल जो मैं लेके आया हूँ बेकार है, यही डलवाना पड़े, ठीक है।
दोस्तों ये जो है ना, देखो क्लच कवर खोल लिया है, इसकी जो पैकिंग होती है हमें नहीं डालनी पड़ेगी अब। और अंदर का हाल देखो कुछ ऐसा है, तो एक तरह से साफ है ना इंजन अंदर से, तो है ना सही है। तो इंजन हमारा एकदम साफ है क्योंकि इंजन ऑयल जो है बिल्कुल नया था, ज़्यादा पुराना मैं रखता नहीं हूँ इस वजह से। अभी सीन ये है कि इसकी क्लच प्लेटें निकालेंगे। अच्छा उस्ताद जी, इसके अंदर एक जाली होती है ना जो हाँ ये वाली, ये निकाल सकते हो अभी? अभी निकालेंगे। हाँ दिखा देना कचरा वचरा है कि नहीं, है ना। तो भाई ये लगाया उस्ताद जी ने क्लच कवर पुलर और ये खोल दिया, ठीक है जी। और मेरा जोमेटो वाले ने एक्सेप्ट कर लिया ऑर्डर क्योंकि भाई मुझे लग रही है भूख, तो मैंने कहा लंच यहीं कर लेंगे मंगा के आराम से। तो अब ये खुलेगी बाहर। उस्ताद जी बताना मुझे क्लच प्लेटों की क्या हालत है। हाँ जी, तो देख लो सारे जितने भी इसके बोल्ट वोल्ट खुल रहे हैं वो एक तरह सफाई के साथ खोले जा रहे हैं और यहाँ रखे जा रहे हैं, ठीक है जी। ये तो ओके कटोरा, ठीक है जी। चलने लायक है या नहीं चलने लायक है, क्या सीन है? वो क्लच की वजह से हुई ना हीट उस्ताद जी, जो क्लच की सेटिंग आउट होगी वो 50% मामला है। अच्छा 50% है, चलने लायक भी है बट लॉन्ग रूट के हिसाब से नहीं है ना। कहीं मान लो क्लच हीट हो गया तो और हीट हो जाएगी, हीट हो गई होगा है ना वहाँ तो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोड पड़ेगी गाड़ी पे तो पहाड़ी इलाके के। हाँ मतलब दिल्ली दिल्ली के लिए ठीक है, दिल्ली विल्ली और छोटे मोटे दिल्ली में चलता है। हाँ कोई नहीं, और बाकी सब कुछ ओके, अब सेंटर वगैरह एकदम ओके, सही है सही है। तो उस्ताद जी बताओ मुझे इसके अंदर मैं इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ क्या, 500 कोई दिक्कत नहीं? मस्त एकदम मामला। वह तो मेरा खुद का अजमाया हुआ है वो, गाली साफ है वो, फर्स्ट वॉइस सर्विस में निकलती है गंद उसमें, है ना साफ है। देखो ये है, एक मिनट खोलो, साफ मत करो। दोस्तों जो मैं बोलता हूँ ना मेटल के क्रंचेज होते हैं जो दिख रहे हो, तो ये वाइट पर दिख रहा है कुछ चमक रहा है जो, ये भाई इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये इंजन में ना घूमे, और इंजन ऑयल इसलिए जल्दी सफाई करने को बोलते हैं क्योंकि भाई ये जो पार्टिकल जिसके क्रंचेज होते हैं ना घिसते हैं ना जब, तो यहाँ आके रुक जाते हैं, वरना पूरे उसमें घूमेंगे इंजन में तो और चीज़ों को डैमेज करते हैं। इसलिए मेक श्योर आप इंजन ऑयल साफ रखें अपनी बाइक का, और फर्स्ट सर्विस पे भाई इसको ज़रूर साफ़ कराएं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो बहुत बारीक बारीक, देखो ये मेटल के क्रंचेज हैं, समझ रहे हो, घिसा हुआ लोहा एक तरह से बोल सकते हैं। तो दोस्तों एक नई चीज़ सीखने को मिली, जो प्रेशर प्लेट होती है ना उसके अंदर ना दाने होते हैं, मतलब डॉटेड होते हैं, ठीक है। अगर वो डॉटेड घिस जाएंगे ना आपके, मतलब उसमें रफनेस ख़त्म हो जाएगी, चिकनाहट आ जाएगी, तो समझ लो आपकी प्रेशर प्लेट ख़त्म है, आपको वो भी बदलनी पड़ेगी। अभी हमारे केस में क्या है कि अपनी क्लच प्लेट थोड़ी सी हीट हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर प्लेट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक, तो इस वजह से प्रेशर प्लेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट हमने बदली नहीं है। बाकी उन्होंने लगा दिया दैट इज़ पूरा सिस्टम पूरा बैठा दिया उन्होंने, ठीक है जी। अभी क्या है कि इसको पूरा फिट करके। अच्छा सर जी बात बताओ, जैसे कई लोग मैंने देखे इसमें क्लच प्लेट लगाने से पहले इसे पहले ऑयल लगाते हैं, इसमें वो ऑयल लगाने का क्या प्रोसेस होता है? ऑयल इसलिए लगाते हैं हाँ, ताकि वो डिप रहे, अच्छा, और ड्राई ना चले। बट ये आधा क्लच वैसे ही ऑयल में डूब जाता है हाँ, तो ड्राई चलता नहीं है। अच्छा, तो मतलब उस केस में हम सूखी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो भाई बेसिकली ये जिनका हेड ऊपर होता है ना, जो खड़े इंजन वाले होते हैं, उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें मतलब ये होता है कि हाँ भाई क्लच प्लेट को थोड़ा सा ना ऑयल में डिप करके लगाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑयल जल्दी नहीं पहुँचता, नीचे रहता है। इसमें क्या है नीचे ही है, तो इस वजह से सूखी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना भाई, एक हमने हीरो से ओरिजिनल इसकी स्प्रिंग मंगाई है जो क्लच के वायर के पास लगती है, ठीक है जी, और वो स्प्रिंग क्या करती है तार को ना वापसी भेजती है, ठीक है। और इसकी कीमत रहने वाली है सिर्फ 8 रुपये कितना लंबा छोड़ा अमाउंट है ना, 8 रुपये। भाई साहब रोड पे खड़ा हुआ हूँ मैं, अब वेट कर रहा हूँ अपने जोमेटो बॉय का, मतलब कि खाना ऑर्डर किया था भाई, भूख लग रही थी मुझे, तो बस 5 मिनट में दिखा रहा है, मतलब नियर बाय है। पानी वानी कुछ पिंटू नाम से होगा, चित्रंजन नाम है आपका, पानी वानी पी लो। तो भाई अपना ऑर्डर आ गया, भाई लेके आए, भाई पानी पी लो यार। स्टार्ट हो गई गाड़ी अपनी एकदम बढ़िया, चावल चल रहे भाई, चिकन फ्राइड राइस नहीं दिखाना प्लग। तो दोस्तों कोई ऐसा प्लग निकला है अपना,
ठीक है, साफ है उसका, जो उतारेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, मतलब नीचे का जो सेंसर है हमारा एकदम ओके काम कर रहा हुआ है। ठीक है ठीक है, डलवा दो। तो दोस्तों हमारा क्लच असेंबली और सर्विस का तो काम इस तरह से हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, अगर बात करें फ्रंट सेक्शन की, तो फ्रंट सेक्शन से ना हमारे भाई ने दोनों शॉकर जो है खोल लिए, टायर खोल लिया है, और कैलिपर की सर्विस होने वाली है ओवरऑल, और शॉकर जो है ना उसके अंदर पंप के अंदर कुछ होल वोल करने वाले हैं, मतलब कुछ इनका पैतरा है अपना। ठीक है जी, वो करेंगे, उससे क्या है कि शॉकर जो है बढ़िया तरीके से स्मूथ जो है अप एंड डाउन जाएंगे, मतलब अंदर बाहर दोनों होंगे, और बाकी जो अभी हार्डनेस मुझे महसूस होती है वो कम हो जाएगी, मतलब वो कम हो जाएगी, बेसिकली कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, एकदम स्मूथ हो जाएगा मामला। ठीक है, तो बस ये काम कराते हैं फिर निकलते हैं बाइक लेकर। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।